नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर घमासान.com से। आईएमए इंदौर के कॉन्क्लेव में आज मेरे साथ में गेस्ट स्पीकर्स हैं विनू जैन मैडम और हर्षिता जैन। आप दोनों सिस्टर हैं और सेकंड जनरेशन फैमिली बिजनेस आप रन कर रहे हैं फिलहाल राजस्थान में। दोनों यूके की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और दोनों ने अपने बिजनेस में काफ़ी नया इनोवेशन और नया आउटपुट दिया है। विनू मैम, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। आपने कब अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और आपके ज्वाइन करने के बाद से लेकर अभी तक आपकी क्या क्या जर्नी रही? मैंने 2008 में अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था और मैंने स्टार्ट किया बहुत ही बेसिक लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा वक्त बिताया और उसमें जाके फिर धीरे धीरे मैं एक अब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पूरा देख रही हूँ, जिसमें सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स पे जितनी भी मैन पावर होती है उसमें मैन पावर को किस तरह से रिक्रूट करना, उनको वहाँ पे किस तरह से बनाए रखना एक हैप्पी सिचुएशन में और उनको किस तरह से कंपनी के साथ एक लॉयल्टी के साथ जोड़े रखना, वो मेरा आज एक मेन काम बना हुआ है। हर्षिता मैम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इस कंपनी में आप अभी क्या देख रहे हैं, आपका क्या रोल है और आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 4 साल पहले ज्वाइन किया था अपनी ग्रेजुएशन के बाद में। सो जब मैं वापस आई थी तब मैंने पहले टेक्निकल, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो सोचा था कि कुछ टेक्निकल में कुछ करूँगी, बट इतना ज़्यादा मेरे को अपीलिंग नहीं लगा, मैं अपना पैशन नहीं ढूंढ पाई उसके अंदर। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एंड आज मैं वो पूरा डिपार्टमेंट रन कर रही हूँ। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब कंपनी का टर्नओवर 33 करोड़ था और आज वो 132 करोड़ है। सो वो 4 साल के अंदर ओवर 40% ग्रोथ आई है कंपनी के अंदर। सो मैं अभी पूरा बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख रही हूँ। कंसल्टिंग का जो एरिया है वो सर्विस सेक्टर में आता है। ब्रिटेन ऑलरेडी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें आप कुछ और भी इनोवेशन या कुछ आपने कुछ नया आइडिया आप अपने बिजनेस में आपने मतलब अप्लाई किए होंगे जिसकी वजह से आपका टर्नओवर बढ़ा होगा? हाँ, वो कौन सा एरिया है? बेसिक जो मेरे को लगा कि हम लोग कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, हम लोग इंडियन माइंडसेट के अंदर एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे रहते हैं कि हमको उसके आगे जाना है। अगर हम किसी चौराहे पे भी खड़े होंगे तो हम लोगों का ये रहता है कि हम उसके आगे जाके कैसे खड़े हो। लेकिन मैं जब वहाँ से आई ये सोच के कि मेरे को कुछ अलग करना है, तो जब मैंने ये लोगों का ये थिंकिंग देखी तो सबसे पहली चीज़ कि ये थिंकिंग से हमको अलग कुछ करना है, तो कोलैबोरेशन किया दूसरी बड़ी कंपनीज़ के साथ में, उन लोगों की जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ लेकर आए। तो उसके कारण हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुआ है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली है हम लोगों को। ऑलराइट, अभी जैसा कि और भी जो गेस्ट स्पीकर्स बोल रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ के इंडिया के कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से जितना भी ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है, स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं हर साल, वो सभी अनस्किल्ड निकल रहे हैं ज़्यादातर। इंडस्ट्री इस समय एक बहुत बड़ा स्किल गैप का इशू अभी फेस कर रही है इंडियन इंडस्ट्रीज। आज जैसे गेस्ट स्पीकर्स ने बताया कि अभी जो जमाना चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनका जमाना चल रहा है और स्टूडेंट्स को अभी इन एरियाज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये जो स्किल गैप है क्या इससे कोई इशू होगा इंडस्ट्री में भविष्य में और इस स्किल गैप को अपन कैसे दूर कर सकते हैं? इन फ्यूचर तो मैं नहीं मानूंगी, मेरे को तो लगता है कि अभी भी हमारी स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल गैप हो रहा है। हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है जॉब्स की, बट हम लोगों को उतने स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो वो काम को कर सके। हम लोग जिस इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं तो वहाँ पर हमारे ये होता है कि जब हम लोग कॉलेज में ही होते हैं तब कि कहीं से जब ट्रेनिंग करनी होती है कॉलेज के अंदर तो वो एक सर्टिफिकेट हमने कहीं से जुगाड़ लिया, कभी लेकिन ऑफिस का वो ही नहीं देखा कि कभी ऑफिस ही नहीं गए। तो जब तक आप खुद को अपने आप को स्किल नहीं करना चाहेंगे तब तक आप स्किल नहीं हो पाएंगे। कि हम लोग ये नहीं सोचे कि अगर हम कॉलेज में हैं तो हम लोग काम कैसे करेंगे, या फिर दिमाग में अपने वो प्रेजिडेंस नहीं रखे। हम लोगों को स्किल होने के लिए हम लोगों को अपने आप पर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्किल बन पाएंगे। इसमें एक प्रॉब्लम और है हमारे भी करंट सिनेरियो में,
जो है कॉलेजेस में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है वो उतना अप टू डेट नहीं है जिस तेज़ी से हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगर हम कुछ टॉप के कॉलेजेस को छोड़ दें, आईआईटीज और ऐसी कुछ अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे फिर भी वो एक्सपोजर उन बच्चों को मिल जाता है, पर बाकी जो बचे हुए कॉलेजेस हैं वहाँ पे अभी भी हम उस पुराने तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो हमें अब मतलब इट्स अबाउट टाइम कि हमको चेंज करना पड़ेगा। या जैसे हम लोगों के जो स्कूल, पूरी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में होता है कि हम लोग स्पून फीड किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि हम लोग उस चीज़ को कितना ज़्यादा वो रट्टा कैसे मारे उस चीज़ का। बस हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो चीज़ हम नहीं जानते। तो हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चेंज लाना पड़ेगा कि हम लोगों को मोर टूवर्ड्स एप्लीकेशन आना पड़ेगा एज़ कम्पेयर्ड टू कि हम लोग बच्चों को स्पून फीड, हाँ ये थ्योरम है, इस थ्योरम को याद कर लो तो एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएंगे। उसकी बजाय हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि वो थ्योरम है तो उस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करें। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल आपने अपनी कंपनी में अप्लाई किया फॉरेन से सीख कर, तो जो यहाँ पर 90% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं इंडिया में इस समय, उनके लिए कोई संदेश, कुछ मोटिवेशनल मैसेज आपकी तरफ से? दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक पहला कि अपने जो आपका पोटेंशियल है उसको पहचानें और उसी में आगे अपना टाइम दें। हाँ, उसको टाइम इतना दें कि मतलब कोई भी परिस्थिति आपको हरा दे, पर आप उसमें फिर भी अपनी हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहें। आज अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पाते पर उसको कल फिर उठे, फिर आगे जाकर बढ़े, तो वो एक जो कांस्टेंट फेथ और कांस्टेंट बिलीफ है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये ज़रूर उसके बनाए रखें किसी भी अपने एक काम में, मतलब उस एक काम को पहचाने ज़रूर। और दूसरा ये है कि किसी भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप क्वालिटी को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे सर्विस में हो चाहे आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, क्योंकि जब तक क्वालिटी पे आप ध्यान देंगे तब हो सकता है शुरू में वो ग्रोथ कम हो सकती है, बाकी लोग आपसे ज़्यादा आगे तेज़ी से बढ़ेंगे, मगर जब तक आप वो क्वालिटी बनाए रखेंगे एट दी एंड आप ही होंगे जो सबसे आगे रहेंगे। आज एक चीज़ और मैंने काउंट करी, हर्षिता जी आपके लिए प्रश्न है कि आप कॉन्क्लेव की सबसे यंगेस्ट स्पीकर थी, मेरे ख्याल से एक ऑनर वाली बात है। थैंक यू। तो आपको क्या फील हुआ वहाँ पर? मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर वाली बात थी कि मुझे इस कॉन्क्लेव में बुलाया गया एंड ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मेरे को अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ एंड आई थैंक द कॉन्क्लेव, द IMA कॉन्क्लेव, कि उन लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया एंड मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी जर्नी को यहाँ पर शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने अपना समय दिया Ghamasan.com की टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।